साल 1922, एक कार रिपेयरिंग शॉप पर 15 साल का एक जापानी लड़का मैकेनिक की नौकरी ज्वाइन करने पहुंचता है। मालिक उसे गौर से देखता है और फिर वर्कशॉप की सफाई और अपने बच्चे की देखभाल का जिम्मा उसे दे देता है। लेकिन किसे पता था कि ये बच्चा सोचाइरो होंडा, दुनिया का सबसे बड़ा मोटर बाइक और बेहतरीन कार ब्रांड होंडा का मालिक बनेगा। कहानी शुरू होती है जापान के एक छोटे से गाँव शिजुओका से, जब साल 1906 में एक लोहार के घर सोचाइरो होंडा का जन्म हुआ। उनके पिता पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर का भी काम किया करते थे, जो अपने 8 बच्चों में 5 को बीमारी की वजह से पहले ही खो चुके थे और इसीलिए सोचाइरो होंडा से उनकी उम्मीदें कुछ ज्यादा थी। पढ़ाई में तो होंडा का मन बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग के काम में उन्हें मजा आता था। बात है साल 1914 की, जब 8 साल के होंडा को खेलते समय अपने सामने 4 पहियों पर चलती हुई एक मशीन दिखी। यह फोर्ड का मॉडल टी था, जिसे देखकर वो हैरान हो गए। उस गाड़ी की डिजाइन और पेट्रोल की महक उनके दिलो दिमाग पर छा गई। दरअसल उस समय जापान में साइकिल काफी पॉपुलर हो रहा था और रिपेयर के लिए उनके दुकान पर लोगों की कतार लगी रहती थी। मशीन और औजारों से होंडा को इतना लगाव था कि वह घंटों अपने पिता के काम को देखते रहते थे और फिर खुद से रिपेयर करने की भी कोशिश किया करते थे। साल 1917 में जब होंडा 11 साल के थे, तब उन्हें कहीं से पता चला कि आर्ट स्मिथ नाम के एक पायलट पब्लिक के सामने अपने बाइप्लेन को उड़ाने वाले हैं। तो दुकान से कुछ पैसे निकालकर एक साइकिल से 20 किलोमीटर दूर मिलिट्री एयरफील्ड में उस शो को देखने निकल पड़े। थके हारे जब पहुंचे तो एंट्री के लिए उनके पैसे कम पड़ गए और वह पास के ही एक पेड़ पर चढ़कर शो को देखने लगे। उस उड़ती हुई मशीन को देखकर होंडा कुछ नए और बड़े इन्वेंशन के लिए इंस्पायर्ड हुए। 15 साल की उम्र में उन्हें न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड दिखा, जिसमें टोक्यो की आर्ट सोकाई नाम की ऑटो रिपेयरिंग कंपनी में टेक्नीशियंस की जरूरत थी। होंडा ने फौरन उस जॉब के लिए अप्लाई किया और इत्तेफाक से उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल गया और फिर अपना घर और पढ़ाई छोड़कर खुशी खुशी वह कमाने की उम्मीद लिए टोक्यो रवाना हो गए। लेकिन उनको शौक तब लगा जब उनकी उम्र और हुलिया देखकर मालिक ने उन्हें साफ सफाई और अपने बच्चे की देखभाल का काम दे दिया। उस काम को वो करना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन वापस गाँव जाने में उन्हें शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए वह साफ सफाई का काम तो करने लगे, लेकिन कंपनी के मालिक से हमेशा कार रिपेयरिंग का काम सिखाने का रिक्वेस्ट करते रहे। उसी दौरान टोक्यो में भूकंप आ गया और काफी मैकेनिक अपने टूटे हुए घर की मरम्मत के लिए चले गए और स्टाफ की कमी की वजह से होंडा को कार रिपेयरिंग का मौका मिल गया। चूंकि उन्हें शुरू से ही इस काम में इंटरेस्ट था, इसलिए वह चीजों को आसानी से समझ जाते थे। जापान में ज्यादातर गाड़ियां उस समय इम्पोर्ट की जाती थी और आर्ट सोकाई शॉप में उनकी मरम्मत होती थी, इसलिए सोचाइरो होंडा को कई अलग अलग ब्रांड्स की कार और बाइक्स मरम्मत करने और उनके फंक्शंस को समझने का मौका मिला। कंपनी के मालिक यूजो साकिबारा होंडा के टैलेंट को पहचान गए थे और उन्हें अपने ही एक दूसरी ब्रांच में काम करने के लिए भेज दिए, जहां रेसिंग कार तैयार की जाती थी। असल में यूजो आगे के बारे में कुछ सोचकर होंडा को टेक्निकल नॉलेज के साथ ही बिजनेस के तौर तरीके भी बताने लगे थे। साल 1923 में यूजो साकिबारा ने होंडा के साथ मिलकर रेसिंग कार डिजाइन करना शुरू किया और यूज्ड इंजन को इस्तेमाल करके पहली कार आर्ट डेमलर और फिर कर्टिस को तैयार किया और इसी कर्टिस कार ने जैपनीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में सबको चौंकाते हुए फर्स्ट पोजीशन भी हासिल कर लिया। इस रेस में होंडा भी ड्राइवर के साथ एक इंजीनियर की तरह कार में मौजूद थे और अगले कई सालों तक वह आर्ट सोकाई में ही जॉब करते हुए अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते रहे। जब होंडा 20 साल के हुए, तब उन्हें मिलिट्री में सर्विस के लिए बुलाया गया, लेकिन इत्तेफाक से उन्हें कलर ब्लाइंडनेस की वजह से छूट मिल गई। उसके बाद आर्ट सोकाई कंपनी की कई ब्रांचेस खोली गयी, जिसमें हमामात्सु ब्रांच को संभालने की जिम्मेदारी होंडा को दी गई, जो उनके गांव के काफी करीब था। शुरुआत में होंडा अकेले ही रिपेयरिंग का काम करते रहे और आसपास के एरिया में अच्छा रेपुटेशन बना लिया। काम बढ़ता गया और फिर होंडा ने 30 मैकेनिक्स की पूरी टीम को हायर कर लिया। सिर्फ 6 साल के भीतर ही सफाई और बेबी सिटिंग का काम करने वाले होंडा एक सक्सेसफुल ऑटो रिपेयरिंग शॉप चलाने लगे। उनकी जिंदगी में सुख सुविधाएं बढ़ने लगी और कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो वह लेट नाइट पार्टीज वगैरह में भी काफी मशगूल रहने लगे। दूसरी तरफ होंडा का रेसिंग से भी लगाव बढ़ता गया। उन्होंने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हमामात्सु रेस कार भी डिजाइन किया, जिसका रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक कोई नहीं तोड़ सका। लेकिन साल 1936 में जैपनीज हाई स्पीड रैली के दौरान एक सीरियस कार क्रैश में वो बुरी तरह से जख्मी हो गए और 3 महीनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, जिसकी वजह से कार रेस को उन्हें हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। असल में यह एक्सीडेंट होंडा के लिए एक वेकअप कॉल थी, क्योंकि थोड़ी सी सक्सेस ने उनके कदम धीमे कर दिए थे। एक लग्जरी नाइट लाइफ या ऑटो रिपेयर शॉप चलाना उनका लक्ष्य नहीं था, उन्हें तो कुछ बड़ा
करना था। हॉस्पिटल से बाहर आते ही होंडा 800 काई के मालिक से मिले और सर्विसेज के अलावा प्रोडक्शन भी शुरू करने का रिक्वेस्ट किए। दरअसल वो हमामात्सु ब्रांच को एक सेपरेट कंपनी बनाकर पिस्टन रिंग्स का प्रोडक्शन करना चाहते थे, लेकिन कंपनी के स्टेक होल्डर्स ने इस प्रपोजल को फौरन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था और उसको बंद करके किसी नए फील्ड में जाने का रिस्क वह नहीं लेना चाहते थे। लेकिन होंडा अपने नए विजन के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर चुके थे और पिस्टन रिंग्स को बनाने के लिए उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ टोकाई सिकी हैवी इंडस्ट्री नाम से एक कंपनी शुरू कर दिए। वह दिन में 800 काई में काम करते थे और रात में अपनी कंपनी में पिस्टन रिंग्स बनाने की कोशिश करते थे। इसके अलावा मेटल्स और एलॉयज को समझने के लिए वह मेटलर्जी की इवनिंग क्लासेस भी लेना शुरू कर दिए। वह साल 1939 तक 2 साल बिना थके काम किए जब तक कि एक फाइनल पिस्टन डिजाइन तैयार नहीं हो गया और फिर होंडा ने 800 काई कंपनी को छोड़कर अपने पिस्टन रिंग्स कई कंपनीज में सेल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अभी भी उसमें काफी खामियां थी। टोयोटा से भी उन्हें बल्क ऑर्डर मिला, लेकिन उनके पिस्टन टोयोटा के हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड को पास नहीं कर पाए। उसके बाद जापान की कई यूनिवर्सिटीज और कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जानकारी करने के बाद होंडा ने पिस्टन रिंग्स को दोबारा तैयार किया और इस बार कमाल हो गया। टोयोटा से क्लियरेंस तो मिला ही, पूरे देश से होंडा को ऑर्डर्स मिलने लगे और उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए 2000 लोगों की भर्ती के साथ ही एक नया ऑटोमेटेड प्लांट भी लगाया गया। लेकिन अभी बिजनेस टेक ऑफ ही किया था कि 1941 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और उनके काफी एम्प्लॉइज को मिलिट्री में बुला लिया गया। हालात बिगड़ते गए और साल 1944 में हमामात्सु शहर अमेरिका के टारगेट पर आ गया और एक B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह जल गई और कुछ दिन बाद आए एक भूकंप ने उनकी दूसरी फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया। कुछ भी नहीं बचा, न नौकरी, न फैक्ट्री और न ही पैसा। लेकिन होंडा फिर भी निराश नहीं हुए। अपनी फैक्ट्री के बचे हुए सामान को उन्होंने टोयोटा के हाथ 4.5 लाख येन में बेच दिया और उन्हीं पैसों से 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए। युद्ध हार कर और भूकंप की वजह से जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गिर चुकी थी। लोगों की जेब में पैसे नहीं थे और फ्यूल की कमी की वजह से लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। सबको एक सस्ते विकल्प की जरूरत थी। तब होंडा के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने आर्मी के कुछ इंजन अरेंज करके उसे साइकिल से जोड़ दिया और उनका यह जुगाड़ लोगों को खूब पसंद आने लगा। और जब इसकी डिमांड बढ़ी तो होंडा ने अपना एक 2-स्ट्रोक इंजन डेवलप किया, पर उसके मास प्रोडक्शन के लिए पैसों की जरूरत थी। तब होंडा ने उसका भी तरीका निकाला। 18,000 बाइसिकल शॉप ओनर्स को होंडा ने लेटर लिखकर अपने बाइक का आइडिया बताया और उनसे मदद मांगी। 3,000 लोगों ने बाइक के नए डिजाइन में दिलचस्पी दिखाई और पैसों की किल्लत भी दूर हो गई। साल 1949 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर होंडा मोटर्स कर दिया गया। उसी दौरान टेकियो फुजीसावा होंडा मोटर्स के प्रमोटर के तौर पर जुड़े और सोचाइरो होंडा को कंपनी के ग्रोथ में काफी मदद किए। डी टाइप होंडा की फुली फ्लैश्ड पहली मोटर बाइक थी जो थोड़ी बड़ी और भारी थी, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही एक लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट मॉडल सुपर कब को लॉन्च किया गया, जिसे धमाकेदार सक्सेस मिली। और जब होंडा ने अपना फोकस यूएस मार्केट पर किया तो उसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 1960 से पहले अमेरिका में बाइकर्स की इमेज एक रफ टफ और घूमने फिरने वाले लोगों की थी, जिसे चेंज करने के लिए होंडा ने एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एड कैंपेन अपने स्लोगन यू मीट द नाइसेस्ट पीपल ऑन होंडा से चलाया। और इस कैंपेन का जादू इस कदर चला कि होंडा बाइक्स फैमिलीज और यंगर पीपल्स की पहली पसंद बन गई। साल 1964 आते आते अमेरिका की सड़कों पर हर दूसरी बाइक होंडा की दिखने लगी। होंडा मोटर्स दुनिया की नंबर 1 मोटर बाइक कंपनी बन गई और हर साल 10 लाख से भी ज्यादा बाइक्स का प्रोडक्शन करने लगी। लेकिन सुचाइरो होंडा का सबसे बड़ा सपना पूरा होना तो अभी बाकी ही था, वही सपना जिसे उन्होंने 8 साल की उम्र में देखा था, आम लोगों के लिए एक अफोर्डेबल कार बनाने का। हालांकि उनके बाइक का बिजनेस इतने बेहतरीन तरीके से चल रहा था कि लोगों ने उनको डिस्ट्रैक्ट होने से मना किया और वैसे भी मार्केट में टोयोटा और निसान जैसी बड़ी कार कंपनीज का डोमिनेंस था, लेकिन होंडा तो एक रिस्क टेकर थे। उन्होंने कार बनाना भी शुरू कर दिया और 1963 में अपनी पहली कार T-360 मिनी ट्रक को लॉन्च किया, जो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर S-500 कार लॉन्च की गई, जिसका प्रोडक्शन भी 1300 कार के बाद रोक दिया गया। उसके बाद RA-271 और 272 जैसी रेसिंग कार भी बनाई गई, लेकिन कार मार्केट में होंडा की कुछ खास जगह नहीं बन पाई। होंडा ने एक ब्रेक लिया और 70s के ऑयल क्राइसिस के दौर में CVCC इंजन के साथ होंडा सिविक को लॉन्च किया, एक एनर्जी एफिशिएंट लाइट वेट फैमिली कार, जिसे अमेरिका के साथ पूरी दुनिया ने खूब पसंद किया। और 10 लाख सिविक बिक जाने के बाद होंडा ने अपनी दूसरी सबसे सक्सेसफुल कार एकॉर्ड को लॉन्च किया और धीरे धीरे लोगों की जरूरतों के हिसाब से अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी कार्स तक होंडा बनाने लगी। दोस्तों, साल 1980 आते आते होंडा मोटर्स दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। 1991 में सुचाइरो होंडा की डेथ के वक्त होंडा की नेट वर्थ $92 मिलियन थी और 150 से भी ज्यादा पेटेंट्स उनके नाम थे। होंडा ने कंपनी की कमान अपने 3 अनस्किल्ड
स्किल्ड बच्चों को देने की बजाय हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के हाथ में दी और आज भी होंडा दुनिया की लीडिंग ऑटोमोटिव कंपनी है जो जेट से लेकर रोबोट तक बनाती है। दोस्तों भले ही सोचाइरो होंडा आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। असफलता से घबराना नहीं है क्योंकि सफलता इसके बाद ही मिलेगी। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।